Welcome back to our YouTube channel of Learning English. And in class today, we are going to talk about a very important topic, and that is to talk about possibility, जिसको हम हिंदी में संभावना कहते हैं. So काफी बार ये रहता है कि हम अपने शब्दों से, हम अपनी बात से sure नहीं होते. We are not sure about the things that we are speaking. So ऐसे cases में, in such situation or on such cases, we always speak with the help of possibility. In English, there are four types of possibilities basically, and the first one is general possibility, जिसको आप सामान्य संभावना कह सकते हैं. Second is factual possibility, जिसको आप तथ्यात्मक संभावना कह सकते हैं, जहाँ पे कोई हमारे पास तथ्य जुड़ा हुआ रहे. And the third is remote possibility, जिसको हम दूरगामी संभावना कहते हैं. And the fourth one is logical possibility, जिसको तार्किक संभावना कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई तर्क जुड़ा हुआ रहता है. सो इन चारों पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ मॉडल्स. एंड यू नो वेरी वेल, इन मॉडल्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडल्स, व्हेन वी टेक द हेल्प ऑफ मॉडल्स, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट सिंगुलर पर्सन एंड प्लूरल पर्सन, एंड वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑल्सो, बिकॉज हर मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सिंगुलर और प्लूरल का भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो लेट्स टेक द यूज ऑफ जनरल पॉसिबिलिटी, इसको हम सामान्य संभावना कहते हैं और इसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती. ये बात जो है वो जग जाहिर सी रहती है कि ये तो काम हो ही सकता है. सो मूवीज तो आप देखते ही हैं, उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है एबीसीडी. एक मूवी आई थी, डांसिंग मूवी थी. सो उसकी फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो क्या था सेंटेंस, एनीबॉडी कैन डांस. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल पॉसिबिलिटी, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कैन, और आप अपनी बात को रख सकते हैं. सो एनीबॉडी कैन डांस, डांस तो कोई भी कर सकता है. लाइक द सेकेंड एग्जाम्पल इज स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग जो है वो कैंसर का कारण बनता है, बन सकता है. सो ये जनरल पॉसिबिलिटीज है. लाइक समबडी इज कमिंग टू डीड वन एंड आस्किंग यू वेर इज बांगड़ कॉलेज, देन द पर्सन सेज दैट बांगड़ कॉलेज इज अ वेरी पॉपुलर लैंडमार्क इन डीडवाना, एंड एनीबॉडी कैन टेल यू द एड्रेस ऑफ बांगड़ कॉलेज, क्योंकि जनरल सी बात है डीडवाना में बांगड़ कॉलेज का एड्रेस कोई भी बता सकता है. लाइक एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एनीबॉडी कैन सब्सक्राइब दिस चैनल. लाइक कोई बाइक बहुत तेज चला रहा है, सो हम उसको क्या कहेंगे, प्लीज राइड योर बाइक स्लोली, डोंट राइड योर बाइक एट ब्रेकनेक स्पीड, बिकॉज राइडिंग बाइक सो फास्ट कैन कॉज एन एक्सीडेंट. तो इस तरीके से आप अपनी जनरल पॉसिबिलिटी को कैन की हेल्प से बता सकते हैं. द सेकेंड इज फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, जहाँ पे कोई ना कोई तथ्य हमसे जुड़ा हुआ रहता है. एंड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मे, और इसमें कोई ना कोई तथ्य की बात हम करेंगे. सो द एग्जाम्पल्स आर, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, काज आसमान में बादल हैं. तो क्या हो सकती है, जब बादल होते हैं, जब बादल होते हैं तो बरसात हो सकती है. सो वी आर सेइंग इट मे रेन टुडे, तो तथ्य हमें ये दिया गया का आज आसमान में बादल हैं तो बरसात हो सकती है. सो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, सो इट मे रेन टुडे. एंड द सेकंड एग्जांपल इज यू हैव अ गुड प्रिपरेशन, सपोज समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, एंड वी आर सेइंग हिम दैट यू हैव अ गुड प्रिपरेशन, तो जिसकी तैयारी अच्छी है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है. सो तथ्य दिया गया कि आपकी तैयारी अच्छी है, सो यू मे गेट सेलेक्शन. इसी तरीके से द स्कोर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज गुड टुडे एंड इंडिया मे विन द मैच, बट वी आर नॉट श्योर बिकॉज क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन. तो इसीलिए हम केवल इस चीज को पॉसिबिलिटी से ही बता सकते हैं. एंड द थर्ड इज रिमोट पॉसिबिलिटी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिमोट पॉसिबिलिटी, उस चीज के दूर दूर तक होने के कोई चांसेस नहीं रहते, इट्स अ टाइप ऑफ नेगेटिव पॉसिबिलिटी. और जब आप ये बोलते हैं सो यू लाइक नॉट लाइक दिस, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिमोट पॉसिबिलिटी यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ माइट, एंड द एग्जांपल्स आर लाइक योर ब्रदर हार्डली स्टडीज, आपका भाई मुश्किल से पढ़ाई करता है, और जो बंदा मुश्किल से पढ़ाई करेगा वो पास शायद ही हो. लेकिन ना आप इसमें फिर भी नहीं बोलते, क्योंकि अगर वो पास हो गया तो मिठाई का सबसे पहला डब्बा आप ही के घर पे आएगा. लोग बोलते हैं ना, आप तो बड़ा कह रहे थे,
लेकिन देखिए हमारा लड़का तो पास हो गया, सो इसीलिए हम बोलते हुए ध्यान रखते हैं कि हम ना का यूज ना करते हुए हम रिमोट पॉसिबिलिटी के जरिए उस चीज को बताते हैं. सो द थिंग इज योर ब्रदर हार्डली स्टडीज, ही माइट गेट पास्ट लाइक दैट. सपोज समबडी वांट्स टू कैच अ बस बट अनफॉर्चुनेटली ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो वो जल्दबाजी कर रहा था, आप उसको वहां कहते हैं डियर यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू माइट कैच योर बस नाउ, बिकॉज बस का टाइम और उसके वहां पहुंचने का टाइम बहुत आर डिफरेंट, तो आप ये कह रहे हैं आपको बस शायद ही मिले. देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई टूडे, इट माइट रेन, तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस आप बना के इन चीजों को बता सकते हैं. एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल पॉसिबिलिटी. सो जब आप बात तर्क की करते हैं तो वहां पे आप शुड को काम में लेंगे, शुड इज ऑल्सो मॉडल, और तर्क को जो भी आप बताएंगे, तार्किक संभावना को आप बताएंगे, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ शुड. एंड द एग्जाम्पल्स आर लाइक किसी के पास 500 रुपीज है और वो कह रहा है आई वॉन्ट टू बाई अ बुक बट आई नीड सम मोर मनी, देन आई सेड हाउ मच यू हैव राइट नाउ इन योर पॉकेट, सो आई हैव 500 रुपीज. मुझे लगा यार 500 रुपए तो बहुत होने चाहिए किताब खरीदने के लिए. सो द एग्जांपल इज रुपीस 500 शुड बी इनफ टू बाय अ बुक. यू वांट टू मीट समवन और आप कह रहे हैं कि चलो उसके ऑफिस चलते हैं एंड लेट्स मीट हिम. देन द थर्ड पर्सन सेज डियर इट्स 6 o'clock और इस समय तो उसको घर पे होना चाहिए. सो इट्स 6 o'clock, ही शुड बी एट हिज होम एट दिस टाइम. लाइक समबडी इज हैविंग अ बैग like books, a pen. So हमने किसी को कहा see dear he has a bag, he has books, he has a pen. So जरूर उसको एक student होना चाहिए, he should be a student. So इस तरीके से आप अपनी संभावनाओं को बता सकते हैं. If you still have any problem, you can share your problem in comment box. We are always there to help you. You really want to learn English? Don't forget guys, everything is possible with 26 letters and we are always there to bring some new topics for you, some interesting topics for you, some important topics for you and some useful topics for you. So you please keep watching our videos and please share all these things with your friends, dear ones and family members. Thank you so much. I shall meet you in next video. Till then take care, have a great time, bye bye.